आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा जल्द ही रिलीज होने वाली है, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में घिर गई है। इस फिल्म का बहिष्कार किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार फिल्म को बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। दरअसल 2015 में आमिर खान ने एक बयान दिया था, उस बयान के बाद ही लगातार आमिर खान विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी विवादों में घिर गई है और फिल्म के बॉयकॉट करने की बात तेजी से चल रही है। इस पर एक हाल ही में आमिर खान ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान फिल्म के बहिष्कार को लेकर आमिर खान ने बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, जानते हैं आप। दरअसल आमिर खान ने ये कहा कि वो भारत से काफी ज्यादा प्रेम करते हैं, तो उनकी फिल्म का बहिष्कार ना करें, उनकी फिल्म को जरूर देखा जाए। आपको बता दें कि साल 2015 में असहिष्णुता पर दिए अपने बयान को लेकर आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार करने की मांग हो रही है। आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड में करीब 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ट्विटर पर उनका पुराना बयान लेकर उन्हें टारगेट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत देश बहुत ही सहिष्णु है, लेकिन कुछ लोग यहां पर असहिष्णुता फैलाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स उन्हें उनके इस पुराने बयान की वजह से देश विरोधी कह रहे हैं। आमिर खान और करीना कपूर की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर छिड़े इस बवाल का असर फिल्म पर कितना पड़ेगा, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। साथ ही फिल्म के बहिष्कार करने की मांग को किस हद तक स्वीकार किया जाता है, ये आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। आमिर खान की विवादित फिल्म लाल सिंह चड्ढा एक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर के अलावा मोना सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर जुड़े रहें और आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook, Instagram, Twitter पर भी हमें फॉलो करें।